प्रॉब्लम कहां पे है आज, कहां दिक्कत है आज। और ये परमेश्वर ने मुझे बताया, बड़ी गहरी बात ध्यान से सुना, दिक्कत हमारे मुंह में। एक नया पर्सन चर्च में एंटर करता है, 16 साल की मैरिज में वो घर से निकाला जा चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है, नया है मसीह में, आगे बैठे हैं और उसे मालूम होता है, अच्छा कोई रुमाल होता है यहां पे, उससे प्रेयर होती है, अच्छा ठीक है कर दो जी, और वो प्रेग्नेंट है, सुनो। और एक बंदा 10 साल से क्रिश्चियन है और वो पता क्या कह रहा है, यार क्या रुमाल, पास्टर जी को खुद मिलना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। वहां आप ब्लॉक करते हो उस अनॉइंटिंग को जो उस रुमाल के ऊपर है, और कभी भी आपकी लाइफ में काम नहीं होगा। एक दिन प्रीच करते करते मैंने कहा क्या छोड़ दो प्रीचिंग, हीलिंग करूं, मतलब मैंने हीलिंग को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया और परमेश्वर ने मेरी डांट लगाई कि किसी भी गिफ्ट को क्रिटिसाइज नहीं करना, प्रीचिंग इंपॉर्टेंट है तो हीलिंग भी इंपॉर्टेंट है, डिलीवरेंस भी इंपॉर्टेंट है, मिरेकल्स भी इंपॉर्टेंट है। प्रेरितों के काम 19 उसकी 11 आयत में लिखा, परमेश्वर पौलुस के हाथ से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। अब ये बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, कि पौलुस के शरीर से जब रुमाल लेके दुष्ट आत्मा के ऊपर लगाते थे और बीमारों के ऊपर लगाते थे, वो लोग हीलिंग लेते थे और डिलीवरेंस लेते थे। एक पास्टर से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा बहुत से पास्टर्स इनसिक्योरिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें बोल देते हैं जो उन्हीं के लिए एक फंदा बन जाती है। अगर उनके चर्च मेंबर ने किसी को बोल दिया, एक हमरा में बहुत लोग थे, बोलते अय यार कोई भीड़ भीड़ मेला लगा होते, परमेश्वर अगर जैसे 2 या 3 मेरे नाम जी इकट्ठे होते मैं हाजिर थे नाजर। मरकुस 1 उसकी 29 में लिखा, वो तुरंत आराधनालय से निकलकर, कौन, यीशु मसीह, याकूब और यूहन्ना के साथ शमोर और आंद्रियास के घर आया। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पे इकट्ठा हुआ। बोलो सारा नगर। मरकुस 2:1 में लिखा, कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास जगह भी नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। 33 आयत में लिखा, पूरा नगर इकट्ठा हुआ। 2 बाप में लिखा, इतने लोग इकट्ठा हुए कि उनके दरवाजों के पास जगह नहीं थी। फिर 2:13 में लिखा, वो फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उन्हें उपदेश देने लगा। सारी भीड़, ये अलग अलग वचन है, ये एक ही भीड़ नहीं है, मैं अलग अलग वचन पढ़ रहा हूं, अगर मैं पूरी स्टोरी पढ़ूंगा तो रात हो जाएगी। आप मरकुस को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, फिर 3 बाप उसकी 7 आयत में पढ़ूंगा, यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया, ये उसके बाद की बात है, और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहूदिया, यरूशलम, इदूमिया, यर्दन के पार, सूर, सैदा के आसपास की एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। एक बड़ी भीड़। मरकुस 3 उसकी 20 आयत में लिखा, फिर वो घर में आया और ऐसी भीड़ फिर इकट्ठी हो गई कि वो रोटी भी ना खा सके। फिर बोलो भीड़। 31 आयत में लिखा, तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी इसलिए उसने कहा, तेरे माता और भाई तुझे बाहर ढूंढते हैं। फिर बोलो भीड़। मरकुस 4:1 उसकी 1 आयत में पढ़ूंगा, फिर वो एक दिन झील के किनारे उपदेश देने लगा और एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि झील के एक नाव पर वो चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। फिर बोलो भीड़। ये उन लोगों के लिए जो भीड़ को क्रिटिसाइज करते हैं। जहां जहां आपको यीशु मसीह मिलेंगे बाइबल में, वहां वहां भीड़ मिलेगी। दिखाओ एक जगह बाइबल में
जहां यीशु मसीह खड़े हो और भीड़ ना हो। सुनो, अगर खुदा का आत्मा आपके अंदर है तो भीड़ होगी भाई। अगर आप ठनठन बजने वाले हैं, सिर्फ करने वाले कुछ नहीं है, तो सिर्फ आप खाली होंगे, कुछ नहीं होगा। 4:35, उस दिन जब सांझ हुई, यानी एक और दिन जब, और उसके चेलों से उसने कहा, आओ हम पार चलें, और वो बड़ी भीड़ को छोड़कर जैसा वो था नाव में चला गया। कई बार तो ऐसा हुआ यीशु मसीह भीड़ को छोड़ के भाग गए कि बस अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूं, मैंने हीलिंग कर दी, डिलीवरेंस कर दिया, मैंने और भी जाना है, मैं तुम्हारे पास सिर्फ नहीं आया हूं। और लिखा जैसे वो निकल के अगले देश में, अगले शहर में गए, लोग देख के वहीं इकट्ठे हो गए फिर से उसी देश के, और एक बड़ी भीड़। और लोग बोलते हैं कि भीड़ शैतानी है। कौन सी बाइबल पढ़ते हो आप? और ये तो मैंने सिर्फ आपको 4-5 बाप, देखो मरकुस का एक भी अध्याय भीड़ के बिना नहीं। और जहां जहां प्रभु यीशु मसीह थे वहां भीड़ थी। अगर हम क्रिश्चियन लोग अपने मुंह को इस्तेमाल में लाना जान जाएं, हमारे जैसा दुनिया में कोई आशीषित नहीं होगा दुनिया में। इसी मरकुस का 6 बाब उसकी 7-13 तक मैं पढ़ूंगा। उसने 12 को अपने पास बुलाया और 2-2 करके भेजा। अशुद्ध आत्माओं पर उन्हें अधिकार दिया और आज्ञा दी कि ना रोटी ना झोली ना बटुआ, सिर्फ लाठी लेना और कुछ ना लेना, जूतियां पहनना, 2-2 कुर्ते ना पहनना, जहां तुम उतरो उस घर को आशीष देना, उसी घर पे ठहरे रहना, अगर वो तुम्हारी ना सुने तो अपनी धूल झाड़ देना उस घर के बाहर। तब उन्होंने जाकर लिखा, प्रचार किया कि मन फिराओ, और 13 में लिखा, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। पढ़ो अपनी बाइबल, लिखा उन्होंने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। तेल मलकर, अनॉइंटिंग ऑयल से उन्हें हील किया। और लोग बोलते हैं अनॉइंटिंग ऑयल नहीं होना चाहिए। मूसा के पास लिखा इतने लोग थे कि वो काम नहीं कर पा रहा था, तो मूसा का जब ससुर आया उसके पास, तो उसने देखा कि एक दिन मूसा ऐसे बैठे हैं और सारे लोग उसके आसपास खड़े हैं और वो सबका केस लेके बैठे हैं और उनको बता रहा है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना। और मूसा का ससुर कहता है तुम जो कर रहे हो ये बड़ी भारी चीज है, तुम थक जाओगे, तुम ये काम नहीं कर पाओगे, ये काम तुम्हारे लिए भारी है। तुम ऐसा करो कि 1000-1000 100-150+ लोगों पे लोग ठहरा दो। यानी परमेश्वर ने एक डिवाइन ईश्वरीय एक उसे योजना दी, एक उसे तरीका दिया इतने लोगों को हैंडल करने का। हालेलुया। और ये अनॉइंटिंग हैंकी, ये खुदा का तरीका है आपको हैंडल करने का। कहता अगर तू अकेले अकेले का बात सुनेगा तू थक जाएगा और तुझसे ये काम फिर होगा नहीं। तू ऐसा कर, परमेश्वर जो मैं तुझे सलाह देता हूं उसे तू फॉलो कर। इमेजिन करो अगर हर संडे मैं आप पे हाथ रख के प्रार्थना करूं तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। पर आपको ये सेम मसा ही छुए मैं ये चाहता हूं, तो परमेश्वर ने ये अरेंज किया आप लोगों के लिए। उन्होंने लिखा उन्होंने बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। जोर से बोलो हालेलुया। लिखा पौलुस ने रुमालों को भेजा, उन्होंने दिए वाले जो 12 चेले पत्रस, याकूब, यहूना, अंद्रियास, ये इन्होंने तेल मलकर लोगों को चंगा किया। सदूकी और फरीसी हमेशा परमेश्वर की खिलाफत करने में लगे रहते थे, उन्हें कोई काम नहीं था। और लिखा उसे हमेशा पकड़ने की वो चाह रखते थे। अगर आपका सगा बेटा हो आप उसको मीडिया पे जाके समझाओगे कि उसको आप डायरेक्ट समझाओगे? कैसे समझाओगे? डायरेक्ट समझाओगे। आज लोग बोलते हैं हम प्यार करते हैं खुदा से, पर वो खुदा से प्यार नहीं, उससे नफरत करते हैं अपनी बातों से। क्योंकि अगर तुम खुदा से प्यार करते तुम उसके लोगों से भी प्यार करते। पर यीशु मसीह ने हमें पहले ही बता दिया कि अगर तुम सच्चा काम करना चाहोगे तो सताए जाओगे।
यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता तुमने गलत किया और पाप किया, उसको राजा ने पकड़ लिया। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सही है वो करना, दुनिया भार में जाए जो मर्जी सोचे, जो सही है वो करना, किसी से इंच भी मत डरना, क्योंकि वो तुम्हारी रूह को नरक में नहीं डाल सकते। जो शरीर को घात कर सकते लिखा उनसे क्या डरना, लेकिन जो आत्मा को घात कर सकता है उससे डरना। और सदूकी और फरीसी हमेशा परमेश्वर के मुंह के शब्दों को पकड़ना चाहते थे, और दिखते वो ज्यादा धर्मी थे पर थे नहीं। जब यीशु मसीह यूहन्ना 6 बाप में समझा रहे थे, 53 आयत में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस सच में खाने की चीज है और मेरा लहू सच में पीने की चीज है। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवती पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वो जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी वही है, ये उस रोटी के समान नहीं जिसे तुम्हारे बाप दादाओं ने खाया, जो मन्ना वो खाते थे और वो मर गए, ये जो ये रोटी खाएगा सर्वदा जीवित रहेगा। 60 में लिखा, उसके चेलों में से बहुत से सुनकर ये कहा, ये गंदी बात है, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में जानकर कहा, तुम मुझ पर क्यों कुड़कुड़ाते हो, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां पहले थे ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। 66 आयत में लिखा, इसके बाद उसके चेलों में से बहुत से वापिस चले गए और उसके बाद फिर कभी ना चले। और यीशु ने उन बारों से कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? उसने शमौन पतरस ने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तुम्हारे पास हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें मेरा शरीर खाना पड़ेगा और मेरा ब्लड पीना पड़ेगा। और सदूकी और फरीसी जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने कहा, इसे कौन सुन सकता है? लिखा, इस बात से उन्हें ठोकर लगी और यीशु मसीह के साथ फिर नहीं चले। प्रॉब्लम यह है, अगर हम सदूकी और फरीसियों की आत्मा में चलेंगे, हमें आत्मिक बातें कभी समझ नहीं आएंगी। ऐसी जगहें हैं दुनिया में जहां लोग सुबह उठकर बाइबल के ऊपर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, आज से मैं वचन पे खड़ा रहूंगा। आप यहां करके देखो, ऐसा आप अगले दिन मार खा रहे होंगे। क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो अभी भी अन्य जातियों से निकला नहीं है, और हम अभी भी उसी शंगण मंगन में पड़े हैं जो हम जिससे हमें बाहर निकलना चाहिए था। एक चर्च में जाता हूं, वहां पे जमीन पे लिखा है ऐसे, जीसस इज लॉर्ड, जमीन पे लिखा है। आप यहां लिख के बताओ, आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि हम जहां से निकले हैं वो चीजें आपको अलाउ नहीं करती। पर जो आत्मा में फ्री है वो जानता है कि वचन यहां है, और जो खुदा के मुंह से निकला हो वहां है। ये जो हाथ में पकड़ा है ये जरिया है सिर्फ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर हर चीज को नफरत की निगाह से हम देखेंगे तो फिर अलग कहानी। हालेलुया। और यही चीज यीशु मसीह के साथ होती थी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो कुछ पवित्र आत्मा बोले करने के लिए उसे करो। लोग क्या सोचते हैं नो मैटर, कोई मायने नहीं रखता। यूहन्ना ने सच्ची बात बोली, उसका विरोध हुआ। बाइबल कहती है जो यूसुफ था वो अपने भाइयों की बुराइयां पिता को बताता था, इसलिए लोग उससे नफरत करते थे। आप धर्मी जीवन बिताना चाहते हैं, कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, बिना गलती के करेंगे, व्यर्थ बैर करेंगे। पर अगर आप ये प्राइस पे करने के लिए तैयार हो, आप ऑसम होंगे, बेस्ट होंगे। यस, कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा जो आप करेंगे। हालेलुया। कितने बातों को समझ रहे हैं?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज है कलीसिया में वो कहां है? जीव निकालो बात अपनी बार अपनी अपनी जीव बोलो यहां, ये प्रॉब्लम है। हाँ, एक पास्टर एक दूसरे पास्टर की कलीसिया को देख रहा है, इतनी बड़ी कलीसिया और उसका मेंबर उसको प्रभावित होकर बता रहा है, अच्छा वहां पे बहुत काम हो रहा है। छाड़ी यार, इनसिक्योरिटी से अब वो भीड़ की बुराई कर रहा है और इनसाइड अपने क्लोजेट में अपने अपने कमरे में जाके खुदा से भीड़ ही मांग रहा है, कभी नहीं मिलेगी। जिस चीज को आप पब्लिकली क्रिटिसाइज कर दोगे वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी, चाहे आप प्रार्थना करें उसके लिए। आप चंगाई को क्रिटिसाइज कर रहे हो पुलपिट से और उसके बाद बीमारों के ऊपर हाथ रखे प्रार्थना कर रहे हो, इसीलिए आपकी चर्च में लोग चंगे नहीं होते। आपको जो आप देखना चाहते हो अपनी लाइफ में आपको प्रीच करना है। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, कोढ़ी शुद्ध होंगे, बहरे सुनेंगे, आपको प्रीच करना है। आपको शर्माना नहीं, झुकना नहीं, डरना नहीं। वो कहता इस पुस्तक को खा ले, आपको घबराना नहीं, लोग क्या कहते हैं पचा ले, कहता इसको। याद रखो, आप लोगों को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप एक हेवनली डिवाइन असाइनमेंट के ऊपर हो। आपको होमवर्क खुदा ने दिया जो आपने पूरा करना है, और वही चीज का प्रीचिंग करो जो चीज आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो। नेवर, कभी क्रिटिसाइज मत करो हीलिंग को, कभी मत करो डिलीवरेंस को, कभी चमत्कारों को, कभी प्रीचिंग को, कभी वर्शिप को, कभी क्रिटिसाइज मत करो, कभी निंदो मत, क्योंकि वही चीज आपके आगे आएगी। आप जो कुछ प्रीच करोगे जीसस क्राइस्ट वही कंफर्म करेंगे जिसके बारे में आप प्रीच करोगे। और प्रीच करने के लिए आपको यह पुलपिट नहीं चाहिए। मैंने इस पुलपिट से प्रीचिंग करनी शुरू नहीं की, मैंने अपने दोस्तों को प्रीच किया, अपने दुकानदारों को प्रीच किया, अपने ग्राहकों को प्रीच किया, अपने रिश्तेदारों को प्रीच किया कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है और उसने किया है मेरी लाइफ में। प्रॉब्लम यह है, जब वरदान अंदर नहीं होते और घर में चैलेंजेस होते हैं तो पास्टर अपनी कॉलिंग बदल लेता है, वो हीलिंग के बारे में बात करना बंद कर देते हैं। इस दुनिया में इंग्लैंड का आज तक का सबसे बड़े हीलर्स में से एक स्मिथ विगल्सवर्थ, उसकी अपनी लड़की बहरी थी। किसी ने पूछा आपकी आपके हीलिंग मिरेकल्स होते हैं, लोग जिंदा हो जाते हैं मुर्दों में से, आपकी अपनी लड़की हील क्यों नहीं? कहता जिस दिन तुम मुझे यह बता दोगे कि एलिया गंजा क्यों था और मूसा थत्था क्यों था, मैं भी तुम्हें बता दूंगा मेरी बेटी हील क्यों नहीं हुई। परमेश्वर ने मूसा को हील नहीं किया कि ठीक है तू थत्था बोलता है ये ले मुंह बार। अगर परमेश्वर समुद्र दो भाग कर सकता है, अगर उसके जरिए चट्टान पे शब्दों से पानी आ सकता है या सोटी मारने से पानी बाहर आ सकता है, तो क्या उसके छोटे से थत्थे बन को परमेश्वर हील नहीं कर सकता? वो आपको चैलेंज देगा कि अगर आपके जेब में बरकत नहीं है तो भी क्या आप ये प्रीच कर सकते हो? वो बरकत देने वाला परमेश्वर है। आपके अभी कोई बेबी नहीं है, 15 साल हो गए, लेकिन क्या आप प्रीच करने की ताकत रखते हैं कि नहीं? मैंने देखा है खुदावंद दे सकता है, वो गर्भ प्रबंध कर सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है, हम जो देखते हैं और जो महसूस करते हैं वही बोलना चाहते हैं। हमारा विश्वास जीरो तो नहीं है पर अल्प है, इसलिए यीशु मसीह ने हमें झिड़क लगाई है बाइबल में, हे अल्पविश्वासी तुमने क्यों संदेह किया? अरे यीशु मसीह आप नाव के पिछले भाग पर सो रहे थे और आधी तूफान शुरू हो गया, हमें लगा मर रहे हैं, हमने इसलिए आपको आवाज लगाई प्रभु तू हमें हमारी चिंता नहीं है हम मर रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा हे आंधी शांत रहे, पानी को थम जा बोला और लिखा सब कुछ थम गया और लोग हैरान हो गए, चले ये क्या है, ये कौन है जो आंधी और पानी इसकी आज्ञा मानते हैं, जो नेचर पे इसका अधिकार है? और यीशु मसीह ने कहा हे अल्प विश्वासियो तुमने क्यों सन, उसने ये नहीं कहा हे अविश्वासियो, हे अल्प विश्वासी। अल्प विश्वासी जो देखते हैं और जो महसूस करते हैं बस वही बोलना चाहते हैं। उसे बोलो कि यीशु मसीह एक बांस को बच्चा देने की ताकत रखते हैं, बोलेगा नहीं अभी मुझे नहीं हुआ तो मैं ये बात नहीं बोल सकता।
तुझे नहीं हुआ तो क्या हुआ, तूने देखा तो है ना। हां मैंने देखा है, कितनी बार, हजार बार। नहीं अभी मुझे पहले दर्द है यहां पे, क्या तूने देखा नहीं कितने लोग चंगे हुए। हां देखा, मेरे साथी चंगा हुआ, मेरी मम्मी चंगी हुई, क्या तू बोल नहीं सकता। प्रॉब्लम कहां है, यहां पे। इसीलिए एक वायदा मैंने खुदा से किया था और आज तक मैं उस पर कायम हूं, मैं एक भी नेगेटिव वीडियो अपने खिलाफ कभी नहीं सुनता हूं, ना चंगाई के खिलाफ, ना चमत्कारों के खिलाफ, ना प्रीचिंग के खिलाफ, ना हीलिंग, किसी चीज के खिलाफ। क्योंकि जैसे ही आपकी स्पिरिट में वो जाएंगी, आपको करप्ट कर देंगी, और जैसे ही आपका विश्वास थोड़ा सा हिला, आपका चमत्कार जो महीने बाद है वो 6 महीने बाद है, फिर आप क्या करेंगे। और जिस चीज को आप प्रीच करोगे उसी चीज को जीसस क्राइस्ट कंफर्म करेंगे। जिस चीज के बारे में आप प्रीच नहीं करोगे, उस चीज के बारे में आप कभी नहीं देखोगे। आप लंगड़े चलते देखना चाहते हैं, आपको प्रीच करना है। आप ऐसा प्रीच नहीं करते, हाँ हीलिंग जरूरी ठीक है, पर आज चीज बहुत ही जरूरी, हीलिंग कोई नहीं। आप लंगड़े नहीं देखोगे, आपको हर चीज के बारे में मालूम होना चाहिए, हर चीज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, सालवेशन की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, आपको हीलिंग की वैल्यू मालूम होना चाहिए, मिरेकल्स की वैल्यू मालूम होना चाहिए, डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट की, आपको आत्मा की परख की वैल्यू मालूम होना चाहिए। इसीलिए बाइबल कहती है कि निंदा मत करो। हालेलुया। सदूकी और फरीसी अपने आप को रखवाले समझते थे, लेकिन थे नहीं, और यीशु मसीह की आत्मा की बातों का ज्यादातर विरोध करते थे, पर रहते उसके साथ ही थे और ऑनलाइन रहते थे। आमीन। आपको ये बात समझनी, हालेलुया, कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में क्या कर रहा है, आपको यह समझना है। और जितना आप समझ जाएंगे, होली स्पिरिट जो आपके बीच में कर रहे हैं, उतने आप सेंसिटिव होंगे और तैयार होंगे कि खुदा एक बड़ा आपको स्पर्श देने के लिए तैयार है। फिर उसे पता है, शी कैन हैंडल, ही कैन, ये हैंडल कर सकता है इस चीज को। अपने पड़ोसी को बोलो, जो परमेश्वर कर रहा है उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। आमीन। आप समझ रहे हैं मेरी बात हो गई नहीं? Yes. और ये एनिमी की चाल है हमें डिस्ट्रैक्ट करना। और याद रखो, अभी शुरुआत हुई है, लंगड़े सैकड़ों में चलेंगे, अंधे सैकड़ों में देखेंगे, कोढ़ी सैकड़ों में शुद्ध होंगे। ऐसे कोढ़ में आया करेंगे लोग और शुद्ध होंगे। आप पहचान नहीं पाओगे ये पिछले संडे वाला व्हीलचेयर वाला बंदा है। वो सब कुछ कर सकता है तो हम देखेंगे, हम देखेंगे भी उसे, क्योंकि वो कर सकता है। आपको हार्ट ओपन, दिल खुला रखना है, अपने आप को बॉक्स में बंद नहीं करना। आपको होली स्पिरिट ने मूसा से वो काम करवाया जो पहले कभी नहीं हुआ था बाइबल में, दाऊद से वो काम करवाया जो पहले कभी नहीं हुआ था, पतरस ने वो काम किया जो पहले कभी नहीं हुए थे, पौलुस ने रुमालों से चंगा किया पहले कभी नहीं हुआ था, आज भी वो ऐसा करता है जो पहले कभी ना हुआ। इसलिए मैंने कहा धर्म बाउंड्रीज में रखता है आपको, यीशु मसीह धर्म नहीं है, वो आपको फ्री रखता है। आप स्पिरिट से सोच सकते हो, आपकी आईज स्पिरिचुअल ओपन होती है, जो खुदा कर रहा है आप उसे देखते हो, उसके प्लान को आप समझते हो कि क्या योजना है परमेश्वर की मेरी लाइफ में। जो काम मैं देख रहा हूं परमेश्वर के, इसका मतलब मेरी लाइफ में परमेश्वर की बड़ी योजना है। एक रुमाल का स्पर्श लेने के बाद एक बंदा 16 साल के बाद बेबी ले सकता है, और सोचो क्यों नहीं शैतान उसके खिलाफ होगा, क्यों नहीं वो ऑयल के खिलाफ, क्यों नहीं वो प्रीचिंग के खिलाफ, क्यों नहीं वो हीलिंग के खिलाफ होगा।
लिखा अचंभे के कामों को देखने के लिए लिखा भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी। अब अचंभे का काम हो गया, अब उनको मालूम है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। अब वो क्या करेंगे? अब वो वचन पे चलेंगे। वरदान लोगों की हेल्प करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं। जाओ एनालाइज करो, सामर्थी चर्चों के लोग ज्यादा वर्ड में होंगे दूसरे लोगों से, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल देखा है, उनका फेथ हाई है। आपका फेथ ज्यादा है मैं जानता हूं दूसरे लोगों से। क्या केस है जो आपने नहीं देखा? कौन से केस है जो आपने नहीं देखे? हर टेस्टिमनी आ रही, जो होली स्पिरिट कर रहा है उसको क्या बोलना है, क्या करना है, उसको ग्रहण कर। वो आज आपकी जरूरत नहीं पर कल आपकी जरूरत हो सकती, वो आपके साथी की कल जरूरत हो सकती, जो आप देख रहे हो जो ग्रहण कर रहे हो वो आपके पड़ोसी की जरूरत हो सकती। परमेश्वर बड़ा है, उसको एक डिब्बे में बंद नहीं करना। हालेलुया। आपको सेंसिटिव रहना है जो होली स्पिरिट कर रहे हैं। आमीन। अगर आप सेंसिटिव होंगे आप वही बोलेंगे जो आप देखना चाहते हो, वही बोलोगे आप। दिमाग कुछ कहे, लोग कुछ कहे, सेंस कुछ कहे, आप वो बोलोगे जो आप देखना चाहते हो। ये सिचुएशन बदलेगी, ये कर्जा जाएगा, ये सिचुएशन मैंने कहा बदलेगी यीशु मसीह के नाम। ये आप बोलेंगे आमीन। आप वो नहीं बोलेंगे जो आपके साथ हो रहा है, आप वो बोलेंगे जो आप होते देखना चाहते हो। आप बेस्ट के हकदार हो, बेस्ट के हकदार हो आप यीशु मसीह के नाम में। आप बेस्ट के हकदार हो, आप बिलीव करते हो। आपने बोलना है रोज, एवरी डे। आपका हस्बैंड आपको गाली दे, आपके लोग आपको मारे, आप रोज बोलना है मैं बेस्ट का हकदार हूं, बेस्ट का हकदार हूं। आपको मालूम, जब आप स्पिरिचुअली अलर्ट हो जाते हैं आत्मिक तरीके से, मैं आपको फिर बताता हूं आत्मिक तरीके से जब आप अलर्ट हो जाते हैं आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। कैसे? अगर मैं आत्मा में अलर्ट हूं, हाँ, और मैं जा रहा हूं, मैं घर पे खाना बना रहा हूं और मैंने अपनी बहन को देखा, अच्छा इसकी तेरे को लगता है ये बीमार है, थोड़े दिनों से हील नहीं हो रही, डिलीवर नहीं हो रही। अगर मैं आत्मिक अलर्ट हूं, मेरे लिए ये प्रार्थना का पॉइंट बन जाएगा। मैं जब अपने प्रेयर रूम में जाऊंगा अपनी बाइबल के पीछे लिखूंगा अपनी सिस्टर के लिए प्रार्थना, हीलिंग, यानी भजन संहिता 103 से, यशाया 40 से, भजन संहिता 91 से मैं इसके लिए प्रेयर करूंगा। क्योंकि मैं स्पिरिचुअली क्या हूं? अलर्ट हूं। जब स्पिरिचुअली मैं अलर्ट हूं, मुझे प्रेयर पॉइंट्स दिखेंगे मेरे आसपास के, मेरी लाइफ के साथ जो जुड़े हुए हैं। मैं एक भाई को देख रहा हूं, हाँ ये मेरा कजन ब्रदर है, अच्छा अच्छा ये शराब पीने लग गया, अच्छा ये पाप में चला गया। अब मैं उसके पीछे लिखूंगा कजन के लिए प्रार्थना, भजन संहिता 51 से, खुदा इसके पापों को माफ करे, से शुद्ध करे, से वापिस ले गया। क्योंकि मैं स्पिरिट में अलर्ट हूं, हाँ, और मुझे प्रार्थना करना आता है। मैं प्रार्थना का पॉइंट लिखूंगा, मैं सिर्फ याद करके प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं लिख के प्रार्थना करूंगा। और आप रोज जब लिखेंगे, चाहे वो 50 पॉइंट क्यों ना हो जाएं, और रोज दिन में 2 या 3 बार आप परमेश्वर के सामने जाएंगे, आप उन्हीं पॉइंट्स पे प्रार्थना करेंगे। आज 15 पे, कल और 15 पे, परसों 15 पे, खत्म हो गए पॉइंट, फिर से दोबारा, जब तक वो पूरे नहीं हो जाएं। क्योंकि मैं एक बात लोगों को बताता हूं, आप बिना प्रार्थना के बाइबल पढ़ सकते हो, पर आप प्रार्थना बिना बाइबल के नहीं कर सकते। आप बिना बाइबल के प्रार्थना नहीं कर सकते। आप अगर प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं और आपके पास बाइबल नहीं है, आपकी प्रेयर इफेक्टिव नहीं है, आपकी प्रेयर असरदार नहीं है। आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, आप बाइबल के वचनों से प्रेयर करेंगे,
इसीलिए बाइबल कहती है 120 लोगों पे पवित्र आत्मा उतरा, वो लोग नहीं थे जो पेंटिकोस्ट का त्योहार मना रहे थे, वो लोग थे जो पेंटिकोस्ट को नहीं मानते थे, अंदर बैठे प्रार्थना कर रहे थे और इस वचन से कर रहे थे कि अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। योएल 2:28 में प्रभु ये लिखा और आत्मा उतरा। वचन से प्रार्थना की उन्होंने, वो बैठे कोई 120 इमोशनल लोग नहीं थे, चाहे यीशु मसीह के चमत्कारों को उन्होंने देखा था, चाहे यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने मुर्दों को जिंदा होते देखा था, पर उन्होंने ऐसी प्रार्थना नहीं की कि प्रभु हमने वो लंगड़ा चलता हुआ देखा, हमने वो लंगड़ा चलना उनके फेथ को बढ़ा चुका था। अब उन्हें मालूम था वचन सच्चा है और योएल 2:28 ने उनकी सहायता की कि वो पवित्र आत्मा अपने दाहिने हाथ से आप पे उतारे। इसका मतलब मैं अगर प्रार्थना करने के लिए बैठा हूं और मेरे पास बाइबल नहीं है तो व्यर्थ है सब कुछ, आपकी प्रेयर इमोशनल होगी, फिर प्रभु ये कर वो हो सकता है पास हो जाए, हो सकता है ना। लेकिन अगर आप वचन से प्रार्थना करेंगे वो हो सकता वाला काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो वचन को पीछे नहीं रख सकता, क्योंकि बाइबल कहती यीशु मसीह अपने नाम से बड़ा अपने वचन को कहता है। आमीन। अपने वचन से लोगों को चंगा करता है, अपने वचन से आपको फ्री करता है, डिलीवर करता है। आप वचन पढ़ेंगे, जब बाइबल पढ़ेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप अपने बेटे के लिए कौन सा वचन से मैं प्रार्थना करूं, हीलिंग के लिए कौन से वचन से प्रेयर करूं, डिलीवरेंस के लिए कौन से वचन से प्रेयर करूं, दुष्ट आत्मा से छूटने के लिए कौन से वचन से प्रेयर करूं। मैं ऐसा चाहता हूं कि आपको कॉल सेंटर में फोन करने की भी जरूरत ना पड़े, आप इतने स्ट्रांग हो जाए कि आपको पता हो आपके अधिकार क्या है। वो तब होगा जब हम स्पिरिचुअली अलर्ट होंगे, होली स्पिरिट जो हमारे सामने कर रहा है हम उसे ग्रहण करेंगे, हमें मालूम होगा कि जो कुछ खुदा ये कर रहा है ये सब कुछ खुदा की ओर से और परमेश्वर के डिवाइन अरेंजमेंट, ईश्वरीय इंतजामों की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। एनिमी क्या कह रहे हैं हम उस पर कान नहीं लगाएंगे, और जो पवित्र आत्मा हमें कह रहे हैं हम उस पर कान लगाएंगे, अलर्ट होंगे। और जब हम अलर्ट होंगे हम अपनी लाइफ में चलते चलते, आप खाना बनाती होंगी आपको प्रेयर पॉइंट याद आएगा मैंने किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है, आप काम पे जा रहे होंगे स्कूटर पे जा रहे होंगे आपको प्रेयर पॉइंट याद आएगा मुझे इस विषय में प्रार्थना करनी है। बाइबल आपके पास होगी आप पेंसिल से लिख लोगे, पेंसिल से इसलिए क्योंकि जब वो प्रार्थना पूरी हो जाएगी आप उसे मिटे पाएंगे, तो बाइबल भर जाएगी आप काली हो जाएगी, आप उसे मिटा दो ये पूरा हो गया, और जब मिट जाए तो एक डायरी पे नोट करना उसे। आप एक साल बाद हैरान होंगे आपके 90% प्रार्थनाएं पूरी हो चुकी और बाकी ऑन द वे। आमीन। क्योंकि हाथी के बच्चे को जन्म लेने में टाइम लगता है, बिल्ली का जल्दी हो जाता है, तो कुछ प्रार्थनाएं आप प्रेग्नेंट हो पर डिलीवरी लेट है क्योंकि वो बड़ी डिलीवरी है, आप समझ रहे क्या। लेकिन ये तब होगा सब चीजें अगर हम आत्मा में अलर्ट हैं। ऐसा नहीं हो सकता मैं प्रेयर करने के लिए बैठूं और मेरे पास बाइबल ना हो, मुझे यही पता ना हो कि मेरी प्रार्थना कौन से बाइबल का वचन सपोर्ट करता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं जी, आप 2 महीने में बाइबल पढ़नी सीख सकते हो, आप 70 साल के क्यों नहीं हो, आपको आप बिल्कुल अंगूठा छाप अनपढ़ो, आप 2 महीने ट्यूशन रख के आप बाइबल पढ़नी सीख सकते हो, खुद की बाइबल पढ़ के आप प्रार्थना कर सकते हो, सिर्फ 2 महीने सिर्फ 500-1000 रुपए में आप सीख सकते हो। लेकिन अगर हम सीखेंगे नहीं और दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हमारी लाइफ कच्ची है, अंधेरे में तीर छोड़ेंगे कहीं लग जाएगा कहीं रह जाएगा, कभी लग गया कभी रह गया, ये क्रिश्चियन लाइफ होगी। हमने तुक्के नहीं मारने, हमें एक स्ट्रांग लाइफ जीनी है, एक सैटेलाइट बनना है, शुरलियां नहीं बनना है। हमें हम सैटेलाइट की तरह चलेंगे और जिएंगे। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। हालेलुया। हमने एक्सेप्ट करना है, तैयार रहना है जो खुदावंद हमारे बीच में कर रहा है। आमीन। जो हमारे बीच में हो रहा है उसे स्पिरिचुअल आइज के साथ देखना है, हमें दिक्कत नहीं होगी, फिर हम ग्रहण कर पाएंगे वो सब काम जो परमेश्वर आपके लाइफ में करना चाहता है। आपकी लाइफ में कुछ काम ऐसे हैं जब तक आपका सर्टन लेवल ऑफ फेथ नहीं हो जाता, एक लेवल का विश्वास आपके अंदर नहीं आ जाता वो काम नहीं होते। और जो सब कुछ आप आज देख रहे हो
ये आपकी हेल्प कर रहा है उस फेथ को पाने के लिए। और जब ये हो जाएगा आपके टेबल भी होगा सब कुछ। आमीन ऊंचा आशीष ऊंची। मैंने कहा आमीन ऊंचा आशीष ऊंची। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जो कुछ पवित्र आत्मा करे उसे ग्रहण कर। ये आशीष लेने का बेस्ट तरीका है। आमीन। अगर आप कलीसिया को देखें, मूसा को देखें, नई कलीसिया पुरानी कलीसिया को देखें, पुराने नियम में अगर कलीसिया को देखें तो बाइबल कहती परमेश्वर मूसा को जो कुछ कहता था अगर लोग उसकी बात मानते थे तो ब्लेस होते थे। और नए टाइम में अगर आप देखो तो परमेश्वर ने चेलों को चुना उन अगुवाई करने के लिए और लोग उसके जरिए ब्लेस हुए। पौलुस की सेवकाई में बोने के कारण परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी हर घटी को पूरा करूंगा, तुम निष्फल नहीं होगे। और पौलुस ने कहा तुमने जो वो काम किया इसलिए मेरा परमेश्वर तुम्हारी घटी को पूरा करेगा। क्योंकि ये लोग, ये परमेश्वर के दास एक डिवाइन ईश्वरीय असाइनमेंट के नीचे होते हैं और जब आप उनका साथ देते हैं आप ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग के नीचे आ जाते हैं। और इसीलिए शैतान उन्हीं पे अटैक करने की कोशिश करता है पर उसके हाथ ठेंगा भी नहीं आएगा, खाली वाला ठेंगा भी नहीं आएगा। ठेंगा तो बहुत बड़ा है, ये भी नहीं आएगा। आमीन। आपको ये मालूम रखना है कि आप ईश्वरीय तरीके से प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन हेवनली प्रोटेक्शन आपके साथ है। आमीन। सदूकी फरीसियों ने अंधा पकड़ लिया, कहते किसने तुझे ना किया, कहता बता दो यीशु से नहीं किया, कहता नहीं नहीं झूठ बोल रहा तू, कहता तुम भी उसके चेले होना चाहते हो, तुम इतने इंटरेस्ट से क्यों पूछ रहे हो। हालेलुया। कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, वो शैतानी शैतानी है, वो परमेश्वर उसके साथ नहीं है। कहता अगर परमेश्वर उसके साथ नहीं है तो ऐसा बंदा जिसके साथ परमेश्वर ना हो क्या वो अंधों की आंखें खोल सकता है, क्या वो लंगड़े चला सकता है, क्या वो हीलिंग कर सकता है। कहते शैतान हीलिंग करता है, कहां करता है शैतान हीलिंग, दिखाओ भाई उसने हीलिंग की हो, नेवर। एक्सेप्ट करो जो खुदा कर रहा है। आमीन। जो खुदावंद कर रहा है उसे ग्रहण करो, आपकी बरकत है इसमें। यीशु मसीह ने कहा अगर शैतान शैतान को निकाले तो उसके घर में फूट पड़ गई, उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। पर अगर मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से शैतान को निकालता हूं तो समझ लो उसका राज्य हमारे बीच में आ चुका। और उसने कहा तुम किसी भी चीज की निंदा करो उसकी माफी मिल जाएगी, अगर आत्मा की निंदा करोगे जो पवित्र आत्मा के काम कर रहा है, बोलो शैतान के काम है, ये तुम्हारी निंदा स्वर्ग में भी माफ नहीं होगी। सबसे बड़ा गुनाह है जो होली स्पिरिट कर रहा है उसे रिसीव ना करना। जब मैं अपने मेंटर के पास जाता हूं, मैं सिर्फ बैठता हूं, सुनता हूं, जो आज मुझे नहीं लग रहा मेरे सेंस में घुस नहीं रहा वो कल को घुसेगा, मैं जानता हूं अब इतना एक्सपीरियंस मुझे हो गया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये बिलीव है आज के बाद जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे आप बाइबल साथ लेके बैठेंगे। एवरी डे आपके साथ हुई एक घटना आप उसे प्रेयर पॉइंट बना सकते हो, वो कम कमाई वो प्रेयर पॉइंट बन सकती है। जो आपको फील हो ये कुछ चेंज होना चाहिए वो आपका प्रेयर पॉइंट है। आप घर जाएंगे प्रेयर पॉइंट लिखेंगे, वचन मैच करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन नहीं मिल रहा कॉल सेंटर फोन करेंगे, वचन पूछेंगे कौन से वचन के साथ मैं प्रार्थना करूं। आप इस तरह से प्रार्थना करते जाएंगे अलर्ट रह के, आपके जवाब होंगे आपके पास। आमीन ऊंचा आशीष ऊंची।